तो दोस्तों OB41 अपडेट के बाद फ्री फायर गेम में कुछ ऐसे कैरेक्टर आ गए हैं जिनको कि अगर आप एक साथ यूज कीजिएगा तो आपका जो मैक्सिमम HP 200 होता है वो बढ़ करके 400 हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा TRD भाई कुछ भी, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ, फिर आगे वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं और मेरा फ्रेंड दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ गए हैं, ठीक ना। और मेरे फ्रेंड ने अपना वेस्ट मतलब उतार दिया है, ठीक। अब जाकर के डैमेज देखिए, डिजर्ट ईगल से जब मैं अपने फ्रेंड को मारता हूँ तो आप सिर्फ देखिए 90 का कितना गोली मैंने मारा, ठीक ना। यहाँ पर आप देखिए, ये जाके मैंने मारा डिजर्ट ईगल का पहला गोली, उसके बाद ये दूसरा गोली हो गया, ये तीसरा गोली हो गया, ये चौथा गोली हो गया, और ये पांचवा गोली मारने के बाद मेरा फ्रेंड मरा। तो आपने देखा 90 का पांच गोली लगा तब मेरा फ्रेंड मरा, मतलब 450 HP का डैमेज देने के बाद फ्रेंड मरा। तो आपको पता चला 400 HP है मेरे फ्रेंड का। चलिए मैं एक बार आपको AWM के साथ दिखा देता हूं। यहां देखिए, जब मैं मारता हूं तो 319 का डैमेज दिया और मेरा फ्रेंड नहीं मरा। उसके बाद डिजर्ट ईगल से 90 का डैमेज दिया तब जाकर के फ्रेंड मरा। तो मतलब आप समझ गए कि मेरे फ्रेंड का HP यहां पर 400 है। तो अब जाकर के मेरी बातों पे आप लोगों को विश्वास हो गया। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर किस तरह से मतलब किस कैरेक्टर का यूज करने के बाद हमारा मैक्सिमम HP 400 तक हो सकता है और हम लोग गेम के अंदर 400 HP के साथ गेम प्ले कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस 400 HP वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को पूरा डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक्टिव स्किल स्लॉट कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सियन कैरेक्टर यूज करना है, क्योंकि एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी है कि जैसे ही हम लोग एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन करते हैं तो हमारा 60 HP इंक्रीज हो जाता है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ मैं एक्सियन कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, मेरा HP देखिए 200 है, जैसे एबिलिटी ऑन किया देखिए मेरा 260 HP हो गया। और एक्सियन कैरेक्टर की ये जो एबिलिटी है 60 HP जो देता है वो आपको अगले 12 सेकंड के लिए देगा। तो 12 सेकंड कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। 12 सेकंड में आप जो है ना 1-2-3 इनिमी से आराम से फाइट कर सकते हैं, 12 सेकंड बहुत ज्यादा हो। अब यहीं पर देखिए, मैंने 2 इनिमी को मारा एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन करके, यहाँ मैं 55 HP से बच भी गया क्योंकि यहाँ पर एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन था, मेरा HP बढ़ा हुआ था, ठीक ना। तो सीधी सी बात है, आपको एक्टिव स्किल कैरेक्टर में एक्सियन कैरेक्टर यूज करना है जिससे आपको एक्स्ट्रा 60 HP मिलेगा, जिससे कि आपका HP 200 से बढ़ के 260 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक्टिव स्किल कैरेक्टर के बाद आती है बारी पैसिव कैरेक्टर की। पैसिव कैरेक्टर में जो आपको पहला कैरेक्टर यूज करना है वो लुकिटा कैरेक्टर यूज करना है। अगर आप CS रैंक का गेम खेलना चाहते हैं तो आपको लुकिटा सेलेक्ट नहीं करना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आपको अभी के लिए मान लेना है कि फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में लुकिटा कैरेक्टर यूज करना है। तो लुकिटा कैरेक्टर का आपको पता ही है, जब भी आप किल करते हैं तो आपका मैक्सिमम HP इंक्रीज होता है। यहाँ देखिए, मैंने 2 किल कर दिया है तो मेरा मैक्सिमम HP 25-25 करके 250 हो गया, ठीक ना। आप यहाँ देख सकते हैं, ये 250 HP के साथ मैं पूरा गेम प्ले कर सकता हूँ, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं कि 250 तो हो गया लुकिटा कैरेक्टर के कारण, और यहाँ पर हम एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी जब भी ऑन करेंगे तो हमारा मैक्सिमम HP कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा, 310 होगा, मतलब कि जब भी फाइट होगा तो हम लोग एक्सियन की एबिलिटी ऑन करेंगे, साथ ही साथ लुकिटा तो है ही, तो मेरा 310 HP हो जाएगा लुकिटा और एक्सियन के कारण। आगे 2 पैसिव कैरेक्टर बताना तो बाकी ही है, लेकिन अभी देखिए हमारा HP 310 हो गया, ठीक ना। 310 HP के साथ हम लोग गेम प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आगे आपको सेकंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में, या बोलिए तो थर्ड कैरेक्टर के रूप में, आपको एंटोनियो कैरेक्टर यूज करना है। एंटोनियो कैरेक्टर भी आपको इनडायरेक्टली HP देता है, डायरेक्टली नहीं देता, इनडायरेक्टली आपको HP देता है। कैसे? तो एंटोनियो कैरेक्टर की एबिलिटी है कि एंटोनियो कैरेक्टर आपको 40 शील्ड पॉइंट देता है, ठीक ना। और शील्ड पॉइंट बिल्कुल HP के तरह काम करता है, और एंटोनियो कैरेक्टर का ये शील्ड पॉइंट है, इसका एक और खासियत है कि हर 4 सेकंड में ये खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। अगर कोई इनिमी आपको मारा, आपका शील्ड पॉइंट कम भी हो गया, तो वो 4 सेकंड के बाद सेल्फ जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और बेनिफिट हो जाता है एंटोनियो कैरेक्टर यूज करने के बाद। तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, HP के ऊपर जो नीला कलर का है वो है एंटोनियो कैरेक्टर का 40 शील्ड पॉइंट। तो शील्ड पॉइंट का क्या काम है, यहाँ देखिए, ये वाला आइस ग्रेनेड जब मैं यहाँ फेंकता हूँ तो आप देखिए सिर्फ हमको कितना डैमेज पड़ता है। आप यहाँ गौर से देखिए, हमको 58 का डैमेज पड़ा, ठीक, 58 का डैमेज पड़ा, लेकिन यहाँ मेरा HP पे सिर्फ 18 का डैमेज पड़ा है। देख लीजिए, 182 HP बचा हुआ है, 18 का डैमेज पड़ा है, बाकी जो 40 डैमेज है वो शील्ड पॉइंट पे डैमेज पड़ा। उसके बाद देखिए, शील्ड पॉइंट देखिए सेल्फ जनरेट हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, शील्ड पॉइंट जो खत्म हो गया था वो धीरे धीरे देखिए यहाँ पर फिर से आ गया है। तो मतलब कि शील्ड पॉइंट का यही काम है, जब भी आपको कोई इनिमी मारेगा तो सबसे पहला डैमेज शील्ड पॉइंट पे पड़ेगा, ठीक ना। आपका शील्ड पॉइंट खत्म होगा, ठीक ना, 40 डैमेज आपके शील्ड पॉइंट पे देना होगा। तो मैंने
पहले ही बोला कि शील्ड पॉइंट बिल्कुल एचपी के तरह काम करता है, जैसे इनिमी मारता है एचपी घटता है, वैसे इनिमी मारेगा तो शील्ड पॉइंट पहले खत्म होगा, उसके बाद आपका रियल एचपी पे डैमेज पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद एंटोनियो करेक्टर यूज करने का एक और खासियत है कि ये जो शील्ड पॉइंट है 40 शील्ड पॉइंट है ये 4 सेकंड में सेल्फ जनरेट हो जाता है। अगर कोई इनिमी मारा शील्ड पॉइंट खत्म हुआ, आपका एचपी भी थोड़ा बहुत घटा, उसके बाद अगर इनिमी मारना बंद करता है तो वो मतलब शील्ड पॉइंट सेल्फ जनरेट हो जाता है, तो यहां पर एक और एडवांटेज हो जाता है। तो ये जो 40 शील्ड पॉइंट है ये मान सकते हैं इसको एचपी ही है। तो इस तरह से हमारा पहले मतलब एक्सियन और लुपिटा यूज करने के बाद हमारा एचपी था 310, और इस शील्ड पॉइंट को अगर ऐड कर ले मतलब एंटोनियो का एचपी को यूज कर ऐड कर ले तो मतलब 310 प्लस 40 मतलब हमारा एचपी जो कितना हो गया 350 हो गया, 350 हो गया, मतलब अभी तक हमने 3 कैरेक्टर यूज किया और हमारा एचपी जो है ना बढ़ करके 350 हो गया है। तो हम लोग 350 एचपी के साथ गेम प्ले करेंगे अभी। इसके बाद हम लोगों को थर्ड पैसिव कैरेक्टर के रूप में या फिर बोले तो चौथे कैरेक्टर के रूप में हम लोग को सानी कैरेक्टर का यूज करना है। सानी कैरेक्टर की भी एबिलिटी जो एंटोनियो कैरेक्टर से मिलती जुलती है, ये भी आपको शील्ड पॉइंट देता है। तो OB41 अपडेट के बाद सानी कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी है कि सानी कैरेक्टर आपको 50 शील्ड पॉइंट देता है, 50 शील्ड पॉइंट देता है। एंटोनियो तो 40 शील्ड पॉइंट देता था, लेकिन सानी कैरेक्टर आपको 50 शील्ड पॉइंट देगा। कब देगा, कैसे देगा, ये हम लोग प्रैक्टिकली जानने का कोशिश करते हैं। तो OB41 अपडेट के बाद सानी कैरेक्टर की न्यू एबिलिटी है कि जब भी आप एक्टिव स्किल कैरेक्टर एक्टिव कीजिएगा तो आपको 50 शील्ड पॉइंट देगा सानी कैरेक्टर। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर मैं जैसे दिमित्री कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन करता हूं, यहां देखिए मेरे पास नीला नीला कलर में 50 शील्ड पॉइंट आ गया है। इसके बाद आपको शील्ड पॉइंट के बारे में पता ही है कि कोई इनिमी मारेगा तो पहले आपके शील्ड पॉइंट पे डैमेज पड़ेगा। आप यहां देखिए, जब मैं आइस ग्रेनेड फेंकता हूं तो यहां देखिए कितना मतलब हमको कितना का डैमेज पड़ता है, यहां देखिए 58 का डैमेज पड़ा आइस ग्रेनेड से, ठीक है, आइस ग्रेनेड से 58 का डैमेज पड़ा, लेकिन मेरा एचपी देखिए 192 है, मतलब 8 का ही डैमेज मेरे एचपी पे पड़ा, बाकी 50 जो है ना शील्ड पॉइंट पे डैमेज पड़ा, ठीक ना। आप यहां गौर से देख सकते हैं 50 शील्ड पॉइंट पे डैमेज पड़ा और 8 डैमेज मेरे एचपी पे पड़ा। तो पता चल गया कि सानी कैरेक्टर किस तरह आपको 50 शील्ड पॉइंट देता है, लेकिन सानी कैरेक्टर जो है ना शील्ड पॉइंट को सेल्फ जनरेट नहीं कर सकता है। एंटोनियो कैरेक्टर तो शील्ड पॉइंट सेल्फ जनरेट कर सकता है, लेकिन सानी कैरेक्टर सेल्फ जनरेट नहीं कर सकता है शील्ड पॉइंट, यह बात आपको याद रखना है। और आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा कि जब भी आप एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज कीजिएगा, चाहे कोई सा भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर एबिलिटी यूज कीजिएगा, तब आपको सानी कैरेक्टर 50 शील्ड पॉइंट देगा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था एक्सियन प्लस लुकिटा प्लस एंटोनियो यूज करने के बाद आपका मैक्सिमम एचपी बढ़ के 350 हो जाएगा, और इसमें अगर हम लोग सानी कैरेक्टर को शामिल कर देते हैं 350 प्लस 50 टोटल 400 एचपी हो जाएगा, ठीक ना। जब भी आप एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी क्लिक करके इनिमी से फाइट कीजिएगा तो आपका एचपी 400 होने वाला है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूं कि इस तरह आपका मैक्सिमम एचपी 400 होने वाला है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर मैं ग्रेनेड फेंकता हूं, उसके बाद मैं एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन करके ग्रेनेड के ऊपर खड़ा हो जाता हूं, तो ग्रेनेड का डैमेज आप देखिए कितना पड़ता है, सिर्फ आप ग्रेनेड का डैमेज देखिए कितना पड़ा, 292 मतलब 292 का डैमेज पड़ा, और मेरा एचपी यहां कितना है 108 एचपी बचा हुआ है। तो आप समझ गए कि 292 प्लस 108 टोटल मेरे पास 400 एचपी था और ग्रेनेड से 192 का डैमेज पड़ा, तो अभी मेरा 108 एचपी बचा हुआ है। तो आपने देखा किस तरह एक्सियन की एबिलिटी एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा एचपी 400 हो जाएगा। तो हम लोग फाइट के दौरान जब भी इनिमी से फाइट होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सियन की एबिलिटी क्लिक करेंगे, फिर इनिमी से फाइट करना चालू करेंगे, इस दौरान हमारा एचपी कितना होने वाला है 400 होने वाला है। तो इनिमी हमको लगभग नहीं मार पाएगा क्योंकि फाइट के दौरान हमारा एचपी 400 जो कि बहुत ज्यादा होने वाला है, इनिमी साल हैरत में पड़ जाएगा हमको, लेकिन मार नहीं पाएगा। और देखिए इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को और भी ज्यादा इफिशियंसी से यूज करने के लिए आप पैट स्किल में रॉकी पैट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि रॉकी पैट का एबिलिटी है कि ये जो किसी भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर को 15% जल्दी का चार्ज कर सकता है, जिससे होगा क्या कि एक्सियन कैरेक्टर की एबिलिटी को आप बार बार जल्दी जल्दी यूज कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से CS रैंक गेम खेलना चाहते हैं तो आपको यहां पर लुकिटा कैरेक्टर को बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि लुकिटा कैरेक्टर CS रैंक गेम में बेकार कैरेक्टर साबित हो जाता है। इसके जगह पे आपको इलाइट एंड्रू कैरेक्टर ले लेना है, इलाइट एंड्रू कैरेक्टर CS के लिए बहुत ज्यादा ओपी कैरेक्टर है। और इस तरह से जो नया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन CS रैंक गेम के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सियन के बाद इलाइट एंड्रू के बाद हो जाएगा एंटोनियो और सानी कैरेक्टर। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से आप CS रैंक गेम खेल सकते हैं। हालांकि इस तरह से आपका एचपी घट जाएगा, 350 एचपी ही होने वाला है, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल होगा CS रैंक गेम में। अब बाकी जो मैंने पुराना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया है एक्सियन के साथ लुकिटा के साथ एंटोनियो के साथ सानी कैरेक्टर, इसको लेकर के आप BR रैंक गेम खेल सकते हैं। BR रैंक गेम में जो ना सोलो रैंक गेम में ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सबसे सबसे
ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।